हेलो दोस्तों, हेल्थी इंडिया में आज का स्वागत है। आज हम बनाएंगे सूखी अरबी की सब्जी। हेलो फ्रेंड, हेल्थी इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मसालेदार अरवी। हमने अरवी धोकर उबाल ली है। इसमें हमने एक सीटी लगवाई है। अरवी बहुत जल्दी गल जाती है और इसे छील कर टुकड़े काट कर रख लिए हैं। अरवी की सब्जी आप जब भी बनाएं, इसे छील कर टुकड़े करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, जिससे कि अरवी आपस में चिपके ना। ये मैंने 4-5 हरी मिर्च ली है, आधा नींबू, 2 बड़े प्याज, 5-6 लहसुन की कलियाँ और 1 अदरक के छोटे टुकड़े का पेस्ट बना है। ये 2 बड़े टमाटर की प्योरी बनाई है। मसालों में मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधे चम्मच लाल मिर्च और आधे चम्मच हल्दी ली है और छोंकने के लिए अजवाइन ली है आधे चम्मच। हम जब भी अरवी बनाते हैं तो उसे अजवाइन में छोंकते हैं। अब मैं आपको इसका बनाने का तरीका बताती हूँ। आधा चम्मच तेल डालेंगे, उसमें आधा चम्मच अजवाइन डालेंगे। जब हमारी अजवाइन भुन जाएगी तो उसमें प्याज की पेस्ट डालेंगे और इसे भी हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे। जब हमारा प्याज हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम ये टमाटर की प्यूरी डालेंगे। इसे भी 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। जब भी आप मसाला भूनें, मीडियम आंच पर भूनें। इस तरह हम मसालों को लगातार चलाते रहेंगे। हम आधा कटोरी पानी लेंगे, उसमें अपने सभी मसाले मिक्स करके टमाटर की प्यूरी में जो हमारा मसाला तैयार हो रहा है इसमें डाल देंगे। मसालों को भी हम 1-2 मिनट तक भूनेंगे। जो हमने अरवी उबाल कर रखी है इसमें अरवी अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे प्लेट से ढक कर रख देंगे, जिससे कि हमारा मसाला अरवी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमारी अरवी तैयार है। इसमें हम नींबू जोड़ेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। सूखी सब्जी आप जब भी बनाएं, उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में उसे 2-3 मिनट तक ढककर रख दें, जिससे कि हमारा मसाला अच्छे से अरबी में मिक्स हो जाए। ये देखिए, हमारी सूखी अरबी तैयार है।